friends, welcome back to the Pragmatic Lopa. Toran to must hai Diwali jaise tyohar pe ek symbolic string hai jise ghar ke main entrance ko decorate karne ke liye hang karte hain jo burai dur karne ke sath sath dhan ki devi maa Laxmi ko khush aur aakarshit karte hain. Preferred toran ek traditional toran hai जो आम के पत्ते और गेंदे के फूल का एक सुंदर कॉम्बिनेशन है जो कोई भी ऑस्पिशियस फेस्टिव ओकेशन पर जरूरी होता है और इंडियन कल्चर में कॉमन प्रैक्टिस भी है. ये हार्मफुल बिलीव्स अपने में अब्सॉर्ब करते हुए सिर्फ अच्छे एनकरेजिंग बिलीव्स घर के अंदर आने देते हैं. ये आम के पत्ते का तोरण बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसे हमेशा फ्रेश वाले से रिप्लेस करना हमारे दिनचर्या में मुश्किल होता है, इसीलिए इन्हें कई मटेरियल्स और कलर्स की काफी वैरायटी में फैब्रिक्स और मेटल्स को आम के पत्ते के शेप में बनाएं. देश के अलग अलग राज्यों में दूसरे डेकोरेटिव चीजें भी यूज करते हैं, पर आज हम लास्ट मिनट क्रिएटिविटी जो बहुत सस्ता आसान और जल्दी बनने वाले तोरण से इस फेस्टिविटी को मुस्कुराते हुए गले लगाएं. तोरण डोर के आर्चवे में परफेक्टली फिट हो जाता है और यही वो पहला चीज है जो गेस्ट को भी वेलकम करता है. मोरओवर मेन डोर ही घर का पहला इम्प्रेशन क्रिएट करता है, तो चलिए क्रिएट करें हमारे घर का इम्प्रेशन. इस उर्ली और दिया के डेकोर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को जरूर चेक करें. इस तोरण के लिए मैंने ऑरेंज और येलो वूल यूज किया पॉम्पम्स बनाने के लिए जो गेंदे के फूल जैसा हो. जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ, आइदर उंगलियों के चारों ओर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रैप करें, आपके पॉम्पम के थिकनेस पे डिपेंड करते हुए. यहाँ मैंने तीन उंगलियों पे 50 टाइम्स रैप किया. सीजर्स से कट करने पर ध्यान से सबको उंगलियों से हटाएं, वूल के एक सेपरेट पीस से उसके बीच में टाई कर दें. जितना टाइट हो सके उतना टाइट बांधें. कैंची से सारे लूप्स कट कर दें. अच्छे से चेक करें कि सारे लूप्स कटने चाहिए. अब उसे ट्रिम करें जब तक पॉम्पम्स आपके पसंद अनुसार ना हो. जब उसके साइज से खुश हो तब आपका पॉम्पम तैयार. चलिए बताएं एक और तरीका जिससे आप पॉम्पम बना सकते हैं. कार्डबोर्ड के पीस को इस तरह काटें जिसकी थिकनेस उतनी हो जितना आप पॉम्पम का चाहते हैं. यहाँ तीन उंगलियों की थिकनेस है. अब पहले की तरह उसके चारों ओर रैप करें 50 टाइम्स. कट होने पर दूसरे साइड स्लाइड कर दें. वूल के सेपरेट पीस से इस गैप के थ्रू पास करें और बीच में टाइटली बांध दें. केयरफुली बाहर पुल करें और पहले की तरह सारे लूप्स काट के ट्रिम कर दें. इन दोनों में से जो भी तरीका आपको सूट करे वैसे बनाएं. इस वक्त अगर कुछ अनइवन लगे तो फर्दर ट्रिम करें. इसी तरह येलो वूल से भी पॉम्पॉम्स बनाएं. इन ट्रिमिंग्स को ना फेंकते हुए इन्हें कलेक्ट किया किसी और प्रोजेक्ट के लिए जिसके बारे में अभी तक सोचा तो नहीं, पर पता है कुछ तो सोच ही लूंगी. बड़े पॉम्पॉम्स के लिए चार उंगलियों में 80 टाइम्स रैप करें और पहले बताया हुआ सारा प्रोसेस रिपीट करें. इसी तरह मीडियम साइज के पांच रेड पॉम्पॉम्स के लिए तीन उंगलियों पे 65 टाइम्स रैप किया. सो टोटल छोटे येलो और ऑरेंज में 8 और रेड में 6, मीडियम साइज में 5 रेड और बड़े में येलो 3 ऑरेंज 2. एक बार सारे पॉम्पॉम्स बन जाने पर चलिए लीव्स बनाएं. पत्तों के लिए मैंने ये ग्रीन फ्लीस फैब्रिक लिया जो बहुत ही सस्ता है, लगभग आधे मीटर से भी कम, पर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. जैसे कोई भी ग्रीन फैब्रिक एक्चुअल लीव से मैच करने के लिए या ग्रीन पेपर या फिर सिंपल व्हाइट शीट को ग्रीन पेंट कर दें.
चाहे तो कलरफुल बनाएं, अपनी क्रिएटिविटी यूज करें और घर पर अवेलेबल ऑप्शन से चूज करें। मैं दो तरह के पत्ते बनाना दिखाऊंगी। पहला कॉमन लीफ पैटर्न, जो ऑलमोस्ट रियल मैंगो लीफ जैसा है। एक पेपर के पीस पे पहले फ्री हैंड लीफ बनाएं। कैंची से काट के उसे टेम्पलेट की तरह फैब्रिक पे ट्रेस करें। पेन से उसके बॉर्डर्स मार्क करें। कैंची से ध्यान से उसके बॉर्डर के बराबर काट दें। पूरा लीफ कट जाने पर आपको चाहिए एक हॉट ग्लू गन और कुछ भी जिससे पत्ते को डेकोरेट किया जा सकता है, जैसे मैंने सिक्विन लेस यूज किया है। इसके लिए लेस की ग्लॉसी साइड यूज किया। छोटे छोटे पार्ट्स में बॉर्डर पे ग्लू लगाएं ताकि जल्दी से सूख न जाए और लेस लगा दें। इसी तरह कंटिन्यू करते रहें जब तक पूरा लीफ कंप्लीट ना हो जाए। इसके स्टेम को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि बाद में पीछे फोल्ड करूंगी जो दिखने नहीं वाला। अब लीफ के वेन्स को हाईलाइट करने के लिए मैंने सेम लेस यूज किया। मेजर करें जितना लेस चाहिए उतना काट दें। ग्लू लगाकर लेस सेट कर दें। दूसरे छोटे वेन्स के लिए भी सेम मेजर, कट, ग्लू लगाएं और लेस फिक्स कर दें। कहीं एक्सेस धागा हो तो काट दें। इसी तरह लीफ पे जितने छोटे वेन्स बनाने हो उतने बनाएं। हो जाने पर इसी तरह अपने तोरण में जितने लीव्स चाहिए उतने बनाएं। पर मेरा दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, दो इन टिपिकल लीव्स का और दूसरे एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। मॉडर्न ट्विस्ट के लिए मैंने ये पेपर ट्रायंगल टेम्पलेट बनाया जिसके दोनों इक्वल साइज 22 सेंटीमीटर और बेस 29 सेंटीमीटर। यही टेम्पलेट यूज करें। फैब्रिक पे पेन से ट्रेस करने के लिए फिर बॉर्डर्स के बराबर काट दें। अपने तोरण में कितने पत्ते चाहिए उस पे डिपेंड करते हुए उतने ट्रायंगल के पीसेस काट लें। जैसे मैंने चार पीसेस काटे, पहले की तरह सेम लेस यूज किया दोनों इक्वल साइज के बॉर्डर पे, पर अलग तरीके से। पहले मैं लेस का ग्लॉसी साइड यूज किया था, पर यहाँ मैट साइड यूज करूँगी। ड्राइंग अवॉइड करने के लिए पहले की तरह हॉट ग्लू छोटे पार्ट्स में यूज करें और तुरंत लेस लगाएं। एक साइड हो जाने पर कैंची से काट दें और ठीक इसी तरह दूसरे साइड पे काम करें, सिर्फ बेस को छोड़ के। अब ट्रायंगल के बेस यानी सबसे लंबे साइड जो यहाँ 29 सेंटीमीटर है, उसे इसी तरह फोल्ड करें। इवनली फोल्ड करें, साइड से धीरे से प्रोग्रेस करें सेंटर की तरफ। फाइनल करने से पहले आप फोल्ड्स को और एक बार एडजस्ट कर सकते हैं। अब या तो आप सिंपली सारे फोल्ड्स को एक साथ स्टेपल कर सकते हैं, जो कि ज्यादा आसान है, पर मेरे पास स्टेपलर नहीं है, इसीलिए सुई और धागा यूज किया, जो काफी सिंपल भी है। सारे फोल्ड्स के थ्रू सुई पुश करें एक साइड से दूसरे साइड, जैसे राइट साइड से लेफ्ट और फिर लेफ्ट से राइट। यही 3 से 4 बार रिपीट करें और इस तरह नॉट से सिक्योर कर दें। सुई हल्के से फैब्रिक में इंसर्ट करें और फिर से जो लूप बना है उसमें पास करें। ऐसा 2 नॉट्स बनाएं और कट कर दें। इंक्रीसेस के बीच भी फिल कर दें। हॉट ग्लू अप्लाई करके लेस पार्ट बाय पार्ट लगा दें। कट करने पर दूसरा बनाएं। एक के बाद एक टोटल ऐसे 3 लाइंस बनाएं। इसी तरह चारों लीव्स कंप्लीट करें। अब इन छोटे रेड पॉम्पॉम्स इन लीव्स के ऊपर हॉट ग्लू से चिपका दें। चारों पत्तों पे लग जाने पर इन टिपिकल लीव्स के टिप पर हॉट ग्लू अप्लाई करें। एक लूप क्रिएट करें ताकि उसमें तोरण का धागा पास हो सके। और यहाँ भी हॉट ग्लू यूज करते हुए रेड छोटे पॉम्पॉम्स फिक्स कर दें। सारे हो जाने पर अपना तोरण अरेंज करें जिस पैटर्न में आप चाहते हैं। कंफर्म हो जाने पर
एक लंबा धागा ले जिसमें सारी चीजें एक ही में आ जाएं और सुई से सारे पॉम पॉम्स ज्वाइन कर ले। बेटर होगा अगर नॉर्मल सिलाई के धागे के बदले कोई मजबूत धागा यूज करें, जो मैंने ये तोरण के खत्म होने के बाद फिर से रिप्लेस कर दिया एक कॉटन ट्वाइन से। याद से स्टार्ट में ज्वाइन करने से पहले थोड़ा धागा साइड में छोड़ दें, जो बाद में हैंग करने के लिए यूज होगा। ध्यान से इसी तरह सारे पॉम पॉम्स जोड़ लें। आखिर तक पहुंचने पर भी थोड़ा धागा छोड़ दें हैंग करने के लिए। हैंगिंग पार्ट पे काम करने के लिए मैंने ये स्ट्रॉस यूज किया इन हैंगिंग पॉम पॉम्स को जोड़ने के लिए। अब तक आपने नोटिस किया होगा ये हैंगिंग पॉम पॉम्स ऊपर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, बड़ा, मीडियम और छोटा। स्ट्रॉस को भी सेम ऑर्डर में काटे, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा। सो टोटल आपके पास होगा 5 बड़े 2 इंचेस के और 5 छोटे 1.5 इंचेस के। ये सारे सिर्फ 4 स्ट्रॉस से हैं, 2 येलो और 2 ग्रीन। सुई और धागे से पहले छोटे में पुश करें, फिर छोटे स्ट्रॉस से पास करते हुए मीडियम पॉम पॉम और फिर बड़ा स्ट्रॉ। एंड फाइनली मेन धागे के बड़े वाले पॉम पॉम में पहले दिखाए गए नॉट्स की तरह सिक्योर कर दें। सेम बाकी 4 हैंगिंग सेट्स के साथ रिपीट करें और लाइटिंग इफेक्ट के लिए तोरण को ध्यान से स्ट्रिंग लाइट से रैप कर दें, जो कि ऑप्शनल है। पूरे तोरण में रैप करने के बाद फिर ऑल सेट। बहुत मेहनत कर रही हूँ इन वीडियोस के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपके इस छोटे से स्टेप से मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे अमेजिंग बजट फ्रेंडली डेकोर आइडियाज लाने के लिए। अगर मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करना है तो लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये उर्ली और दिया चेकआउट करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल।